हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी प्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, हमने इसके पहले बहुत सारे कलाकार को कंप्लीट किया है। यदि आपने पिछले कलाकार नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लीजिए, और सारे के सारे कलाकार एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिए गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सीरियल वाइज कहीं देखना पड़े कि मैम आपने सीरियल वाइज नहीं कराया। तो देखिए, कलाकार अपने आप में परिपूर्ण होता है। ठीक है, तो हर वीडियो में मैंने कंप्लीट कलाकार पढ़ाया। अगर आप पहले कोई दूसरा कलाकार देख लेंगे, कोई दूसरा कलाकार देख लेंगे, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट वीडियो है। ठीक है, और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है थ्योरी के नाम से, तो उसमें जितना भी सेक्शन थ्योरी में आता है वो सभी आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्लेलिस्ट डली हुई है, तो आप उससे देख लीजिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने टेलीग्राम लिंक डाल दिया है, तो टेलीग्राम से अगर आप ऐड नहीं है तो आप ऐड हो जाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच जाए। तो आज हमें पढ़ना है गोपाल घोष के बारे में। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए 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 चलिए, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है आज गोपाल घोष के बारे में। तो इनका जन्म कब होता है, मृत्यु कब होती है, इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो आज हमें पढ़ना है। तो गोपाल घोष का जन्म कब होता है, 1913 में होता है। मृत्यु कब होती है, 1980 में। जन्म कब होता है, 1913 में, मृत्यु कब हो रही है, 1980 में। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट आ जाता है, गोपाल घोष का जन्म कब होता है और कहाँ पर होता है। तो 1913 में जन्म होता है, और कहाँ पर, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। बताइए, आया समझ में। गोपाल घोष का जन्म होता है 1913 ईस्वी में, और कहाँ पर, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए ये देखिए, इनका एक चित्र है, कितना सिंपल सा चित्र है। चलिए, इस चित्र में क्या है, भारतीय मछुआरा बनाया गया है, भारतीय मछुआरा। हाँ, बैठे तो हैं दो लोग ये बीच में। हाँ, तो ये मछली पकड़ रहे हैं। कौन है ये, मछुआरा है, भारतीय मछुआरा है। तो कब बनाया था इनको, 1978 में बनाया था, कागज़ पर वाटर कलर से बनाया है, और संग्रह कहाँ किया गया है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। और बनाया किसने है इसको, गोपाल घोष ने बनाया है, भारतीय मछुआरा, मछुआरा। ठीक है, कब बनाया था, 1978 में, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गोपाल घोष ने वर्ष 1935 ईस्वी में, वर्ष 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जयपुर से पेंटिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स चेन्नई में किसके निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त की थी। बोल रहा है गोपाल घोष ने वर्ष 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जयपुर से पेंटिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई में पूछा है उसने, चेन्नई में किसके निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त की थी। बताइए, देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देवी प्रसाद राय चौधरी के ये शिष्य थे। ठीक है, चलिए आगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, भारतीय आधुनिक दृश्य चित्रण के जन्मदाता कौन है, भारतीय आधुनिक दृश्य चित्रण के जन्मदाता कौन है, गोपाल घोष। पता है ये TGT आर्ट में क्या है, एक तो आर्ट सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल सा सब्जेक्ट है, मैं जो बोल रही हूँ वो समझिए आप, जो मैं बोल रही हूँ। देखिए, हाँ थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, सभी सब्जेक्टों में देखा जाए, तो आर्ट सबसे सिंपल सब्जेक्ट है, और केवल एक सब्जेक्ट पढ़कर, मात्र एक सब्जेक्ट पढ़कर ही हमें TGT क्वालिफाई हो जाना है, TGT आर्ट हमारा क्वालिफाई हो जाना है। और अगर हम अदर एग्ज़ाम में देखें, SSC में, तो हमें मैथ भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, संस्कृत भी, मतलब जो जो सब्जेक्ट हैं उसमें कम से कम 4-5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। यूपी टेट देखा जाए तो 5 सब्जेक्ट उसमें पढ़ने हैं, सुपर टेट देखा जाए तो 16 सब्जेक्ट 14 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मतलब कि सभी में
कितना कुछ करना पड़ता है, कितनी मेहनत लगती है, कितना पढ़ना पड़ता है, चार चार सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कवर करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें केवल एक सब्जेक्ट, मात्र एक सब्जेक्ट पढ़कर यहाँ सिलेक्शन हो रहा है। तो ये अपने आप में बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि टीजीटी आर्ट में हम बहुत सिंपल तरीके से हम सिलेक्शन पा सकते हैं, इसलिए मौका है, छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। और जितनी थ्योरी मिल रही है उसको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, एक बार नहीं चार चार बार देखिए, लेकिन दिमाग में छापिए, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए, ज़िंदगी आराम से बितानी है तो सिलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, और लड़कियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लड़कियों के लिए। अगर ज़िंदगी भर चूल्हे चौके में नहीं घुसना है तो पढ़ते रहिए, बराबर पढ़ते रहिए, सिलेक्शन हाथ में ले लीजिए, वरना ज़िंदगी भर चूल्हा चौका करते ही निकल जाने हैं। डरवा नहीं रही हूँ, यथासत्य बात बोल रही हूँ, यहाँ ये बात आप भी जानती हैं बहुत अच्छे से। अगर नौकरी लग गई तो समझ लीजिए ज़िंदगी भर की बल्ले बल्ले है, सामने वाला इंसान आपको इज्जत दे के बात करेगा, सम्मान से बात करेगा, सम्मानित नज़र से देखेगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट पर इतना फोकस कर डालिए, इतना फोकस कर डालिए कि बस जी जान से लग जाइए। 2 महीने हैं, 2.5 महीने हैं, लगभग नवंबर या दिसंबर तक पेपर हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 2 महीने हैं लगभग, तो 2 महीने में जी जान लगा दीजिए बिल्कुल से, दिन रात एक कर डालिए, बस सोते जागते बस क्वेश्चन दिमाग में होना चाहिए कि यार ये वाला चित्र किसका है, ये वाला चित्र किसका है, ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए, तब सिलेक्शन नज़दीक होता है, ठीक है। तो भारतीय आधुनिक दृश्य चित्रण के जन्मदाता कौन हैं, तो गोपाल घोष हैं, ठीक है। फिर आता है भारत में आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता कौन हैं, गोपाल घोष हैं। लड़कों के लिए भी बिल्कुल इक्वली ये बात बराबर है कि देखिए आजकल जिस आज का जो यथासत्य है ना, जो बात बिल्कुल मैं वो बता रही हूँ। अगर लड़के की इज्जत है, पता है किस लड़के की इज्जत है आज की सोसाइटी में, जिसके पास नौकरी है, जिसके पास, बिल्कुल सही बात है, आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से, बाकी बहस करनी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज उसी की इज्जत है जिसके पास नौकरी है, जिसके पास पैसा है। इसलिए बहुत दिमाग से, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, बिल्कुल सीरियस होके, बस एक बार हाथ में सिलेक्शन आ जाए ना तो फिर देखिएगा लोगों का नज़रिया बदल जाता है। जो आज आपसे तुम करके बात करते हैं ना, वो आप करके बात करने लगेंगे आपसे। जो आज करके आज कहते हैं और यार क्या हो रहा है, फिर देखना उस बाद में क्या करेंगे, नौकरी के बाद कैसे बोलेंगे, और भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, ये हो जाता है, बदल जाता है पूरा, पूरी ज़िंदगी बदल जाती है बस एक बार नौकरी हाथ में हो जाए। इसलिए बहुत सीरियसली होकर पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। तो आता है कलकत्ता ग्रुप के बोहीमियन कलाकार कौन थे, कलकत्ता ग्रुप के बोहीमियन कलाकार कौन थे, गोपाल घोष, कौन थे, गोपाल घोष, ठीक है। फिर आता है अब विलेज नियर मसूरी, क्या है, अब विलेज नियर मसूरी, जिसको बनाया किसमें है, टेम्परा माध्यम में, किसने बनाया है, गोपाल घोष ने बनाया है। तो पहला क्या था, कलकत्ता ग्रुप के बोहीमियन कलाकार कौन थे, गोपाल घोष थे। फिर आता है ए विलेज नियर मसूरी टेम्परा माध्यम में किसने चित्रित किया, गोपाल घोष ने, ठीक है। चलिए, फिर लास्ट पॉइंट आता है गोपाल घोष जी के बारे में, गोधूली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोधूली या फिर डॉन, किस माध्यम में बना है डॉन, टेम्परा माध्यम में, क्या है, डॉन और गोधूली किसके चित्रकार हैं, ये गोपाल घोष के चित्रकार हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट अब जो कलाकार आते हैं ये हैं हेमंत मिश्र। देखिए ये छोटे छोटे कलाकार थे, इसलिए मैंने ज़्यादा, मतलब 2 से 3 कलाकार ले लिए हैं एक साथ, ठीक है, जिससे कि टाइम भी बचे अपना और ज़्यादा से ज़्यादा भी हो जाए। तो हेमंत मिश्र का जन्म कब होता है, 1917 में, और मृत्यु कब होती है, 2009 में। जन्म होता है 1917 में, मृत्यु होती है 2009 में। फिर आता है हेमंत मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था, हेमंत मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था, 13 अक्टूबर 1917 ईस्वी में, 13 अक्टूबर 1917 ईस्वी में, कहाँ पर, शिवसागर असम में, शिवसागर असम में, ठीक है। तो हेमंत मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था, 13 अक्टूबर 1917 ईस्वी को, शिवसागर असम में, ठीक है। चलिए, फिर आता है आगे, हेमंत मिश्र
कलकत्ता ग्रुप के सदस्य कब चुने गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब चुने गए थे? 1950 ईस्वी में हेमंत मिश्र को कलकत्ता ग्रुप के सदस्य के रूप में चुना गया था। फिर आता है, हेमंत मिश्र की कला पर किस कलावाद का प्रभाव था? तो किसका था? अति यथार्थवाद। ये जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, किसी एक को इम्पॉर्टेंट कहना मतलब गलत होगा, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको समझ में भी आ रहे होंगे। तो हेमंत मिश्र की कला पर किस कलावाद का प्रभाव दिखाई देता है? तो अति यथार्थवाद। ठीक है, चलिए फिर आता है, हेमंत मिश्र की कला पर किन यूरोपीय कलाकारों का प्रभाव था? डाली और अर्नस्ट। किसका? डाली और अर्नस्ट का। ठीक है, फिर आगे है, हेमंत मिश्र के कुछ प्रसिद्ध चित्र कौन से हैं? प्रिमिटिव एयर, वर्स ऑन फायर, फिर है इको ऑफ अ सॉन्ग, और है द परस्यूइंग द फेडिंग। क्या है? द परस्यूइंग द फेडिंग। ठीक है, तो हेमंत मिश्र की कला पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव दिखता है? तो डाली और अर्नस्ट। फिर दूसरा पॉइंट है, हेमंत मिश्र के कुछ प्रसिद्ध चित्र कौन से हैं? तो प्रिमिटिव एयर, वर्ड्स ऑन फायर, इको ऑफ अ सॉन्ग, द परस्यूइंग द फेडिंग। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। लास्ट पॉइंट आता है इनमें, हेमंत मिश्र द्वारा लिखित पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से भारतीय चित्रकला किसकी है? हेमंत मिश्र की है। किसी और की भी है भारतीय चित्रकला? कमेंट पर बताइए। ये लिखी है इन्होंने 1978 में। फिर आता है, रूपार अंतरत रूप, ये किसकी है? 1990 की है। देखो लुइट अरु सागर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये किसी और की भी चित्रकला है, तो करिए कमेंट, किसी और की भी चित्र है ये यहाँ इन्होंने बुक बताई है, किसी का ये चित्र है, तो आप कमेंट पर बताइए किसका है ये चित्र। अब आते हैं अगले, निरोध मजूमदार। कौन आते हैं अगले? अरे हाँ, निरोध मजूमदार आ जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनका जन्म कब होता है? 1916 में। मृत्यु कब होती है? 1982 में। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में, निरोध मजूमदार का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 11 मई 1916 को हुआ था। जन्म होता है कब? 1916 में। और कहाँ पर? ये कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। समझ में तो आता है ना कि हम जो भी ये सब बोलते हैं तो आपको समझ में तो आती हैं ये चीज़ें? जितने भी पॉइंट आपको करवा रहे हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे? नहीं हो रहे। फिर आता है, प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार कमल कुमार मजूमदार। क्या है? प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार कमल कुमार मजूमदार के छोटे भाई कौन थे? निरोध मजूमदार थे। प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार कमल कुमार मजूमदार के छोटे भाई कौन थे? ये निरोध मजूमदार थे। ठीक है, क्या थे? निरोध मजूमदार थे। चलिए फिर आता है, किसकी कला पर तंत्र कला का सशक्त प्रभाव पड़ा? तंत्र कला का सशक्त प्रभाव पड़ा, तो निरोध मजूमदार जो हैं इनकी कला पर तंत्र कला का बहुत प्रभाव पड़ा था। ठीक है, भारत में सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तांत्रिक कला पर प्रदर्शनी लगाने वाले कलाकार कौन थे? मतलब तांत्रिक कला पर सबसे पहली प्रदर्शनी किसने लगाई थी? तो ये निरोध मजूमदार ने। ठीक है, तो तंत्र कला का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पर पड़ा? निरोध मजूमदार पर। और सबसे पहले तांत्रिक कला की प्रदर्शनी किसने लगाई? ये भी निरोध मजूमदार। चलिए ये देखिए, यहाँ से एक चित्र दिख रहा होगा आपको, ये चित्र किसका है पता है? एग्ज़ाम में ना कभी कभी ऐसा होता है कि उसका चित्र दे दिया जाता है, कोई राइटर है मतलब सॉरी आर्टिस्ट है कोई, उसका चित्र दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि बताइए ये चित्र किसका है। तो अब देखिए ये चित्र है, ये कैसा है? लीड़ा और हंस। देखिए ये हंस दिखाया गया है इसमें, अरे देखिए ये हंस दिखाया गया है। क्या है? निरोध मजूमदार ने बनाया है। और लीड़ा और हंस कैसे बना है? ये तेल से बनाया गया है। किससे? तेल से बनाया गया है। ठीक है, समझ गए। चलिए आता है पॉइंट, निरोध मजूमदार की छोटी बहन कौन थी? शानू लाहिरी। कौन थी? शानू लाहिरी की प्रसिद्धि किस रूप में है? ये चित्रकार भी थी और एक आर्ट की टीचर भी थी। कौन? शानू लाहिरी। ठीक है, फिर भारत की सर्वप्रथम व प्रमुख महिला पब्लिक आर्टिस्ट कौन थी? कौन थी? ये इन्हीं की सिस्टर। कौन? शानू लाहिरी।
तो सर्वप्रथम व प्रमुख महिला पब्लिक आर्टिस्ट कौन थी भारत की? तो ये शानू लाहिरी थी। किसकी सिस्टर थी? निरोध मजूमदार की। याद हो गया होगा। चलिए फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट। विश्व की सबसे ऊंची सार्वजनिक कला पब्लिक आर्ट किसका उदाहरण है? द स्पीयर ऑफ डबलिन या मॉन्यूमेंट ऑफ लाइट। समझ गए? विश्व की सबसे ऊंची सार्वजनिक कला पब्लिक आर्ट किसका उदाहरण है? द स्पीयर ऑफ डबलिन या मॉन्यूमेंट ऑफ लाइट का। ठीक है, सिंपल सा है, समझ गए होंगे। फिर आता है किसने अपने चित्रों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था? बहुत 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 ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। देवनागरी लिपि का चित्रों में प्रयोग किसने किया था? निरोध मजूमदार ने। ठीक है, चलिए। वैसे भी आप लोग होशियार हैं, आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया होगा, बस रिवीजन के तौर पे आप लोग देख लीजिए अच्छे से, बस याद हो जाना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग तो वैसे भी समझदार हैं। बताइए ये ऑयल पेंटिंग है निजाज घाट। निजाज घाट कैसी है? ऑयल पेंटिंग है। इसके चित्रकार कौन है? ये निरोध मजूमदार हैं। क्या है? निरोध मजूमदार हैं। ठीक है, चलिए आगे। किस कलाकार ने आकृतियों के साथ चिन्हों व अक्षरों को अपने चित्रों में संयोजित किया? तो आकृतियों के साथ चिन्हों व अक्षरों को अपने चित्रों में संयोजित किसने किया है? निरोध मजूमदार ने। किसने? निरोध मजूमदार ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट आ जाता है निरोध, लास्ट पॉइंट आ जाता है निरोध मजूमदार का प्रसिद्ध चित्र है नेता का घाट। कब बना था? 1957 में बना था। कैसे? कैनवास पर ऑयल कलर, कैनवास पर ऑयल कलर से। और इसको सुरक्षित कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी? पसंद आई? नहीं आई? कैसी लगी बताइएगा कमेंट पर। ठीक है, बाहर कमेंट पे बताइएगा। ठीक है, और बस पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम की डेट पता नहीं कब आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि नवंबर दिसंबर में ही होगा। वो दिमाग की बात है, कब किसका दिमाग पलट जाए, कब डेट आ जाए, कोई निश्चित नहीं है। इसलिए पढ़ते रहिए, बिल्कुल कंटिन्यूटी बनाए रखिए, और सुबह जल्दी 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 जगने की कोशिश किया करिए। सुबह पढ़ने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह का 4 बजे। 4 बजे उठने की कोशिश किया करिए। 4 नहीं उठ पा रहे, 5 बजे उठा करिए। 4 से 5 के बीच में उठना सीख लीजिए। ठीक है, अभी 2 महीने के लिए, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक के लिए सीख लीजिए 4 से 5 के बीच में उठना। ठीक है, और इसीलिए मैंने अपनी क्लास जो है ना मॉर्निंग में रखी है, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो बिल्कुल से फ्रेश मूड का होता है। इसलिए थ्योरी वाली क्लास मैंने सुबह रखी है और प्रैक्टिस सेट वाली शाम को 7 बजे रखी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर शाम को 7 बजे। ठीक है, और जहाँ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप हमें कमेंट पर बता दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आप तक पहुँचा देंगे। ठीक है, चलिए फिर शाम को 7 बजे मिलते हैं।